हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पप द फिश करी विथ पॉपी सीड्स। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। देख लीजिए, फर्स्ट में फिश को मैंने अच्छे से धो लिया है। तो अभी फर्स्ट में इसके अंदर में ऐड करूंगी सॉल्ट 1 टीस्पून, साथ ही साथ ऐड करूंगी हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल। इससे रेसिपी में बहुत ही ज्यादा टेस्ट आते हैं और फिश अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। और अभी फिश के साथ साथ नमक हल्दी सब कुछ अच्छे से कोट करेंगे। देखिए, देख लीजिए, सारे इंग्रेडिएंट्स को फिश के साथ साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो चलिए अभी कढ़ाई चढ़ाते हैं। बंगाली स्टाइल पापड़ माछे झाल बनाने के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है और अभी ऐड कर दूंगी मस्टर्ड ऑयल। बंगालीज के हर एक रेसिपी में यूज होते हैं मस्टर्ड ऑयल। ऑयल को अभी बहुत अच्छे से गर्म होने दीजिए। ऑयल हमारे बहुत अच्छे से गर्म हो गए हैं, तो अभी मैं ऐड कर दूंगी फिश 1 बाय 1 करके। फिश को अभी हल्का करके फ्राई करेंगे क्योंकि ये फिश बहुत ही जल्दी पक जाते हैं, बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं। आप लोग बस 2 मिनट के लिए इस साइड उस साइड करके फ्राई कर लीजिए। 1 मिनट हो गए हैं तो फिश को अभी पलट देंगे और पलट के दूसरे साइड को भी फ्राई करेंगे। देखिए, फिश को हमने पलट दिया है और अभी दूसरे साइड को भी बस 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, उसके बाद निकल लेंगे। 1 मिनट हो गए हैं, फिश को अभी निकल लेंगे और अभी इसी सेम तरीके से सारे के सारे फिश को फ्राई कर लेंगे। सेम तरीके से देखिए फिश ऐड कर रही हूँ। सारे फिश हमारे फ्राई हो गए हैं और अभी इसी सेम ऑयल में ऐड कर दूंगी कलौंजी, बस 1 टीस्पून कर दूंगी। 1 मीडियम साइज का टमाटर रफली चॉप्ड किए हुए, टमाटर को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। टमाटर हमारे हल्का सा फ्राई हो गए थे तो अभी ऐड कर दूंगी पॉपी सीड्स और ग्रीन चिली का पेस्ट, मिला के हल्का सा फ्राई करूंगी। ऐड कर दूंगी थोड़ी सी पानी, फ्लेम को हाई में रखिए। ऐड कर दूंगी 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट और अभी यही है आपका फिश करी का ग्रेवी। तो इसमें अभी उबाल आने दीजिए। देख लीजिए, ग्रेवी में उबाल आ गए हैं। अभी 1 बाय 1 करके फिश ऐड करूंगी। सारे के सारे फिश को ऐड कर दिया है और अभी ग्रेवी को गाढ़ा कर लीजिए। ये ग्रेवी बहुत ज्यादा गाढ़ा बनते हैं लेकिन बहुत ही बढ़िया टेस्ट वाला ग्रेवी बनते हैं। फ्लेम को हाई में ही रखिए, कुक कीजिए। अभी ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल। बंगालीज के हर एक रेसिपी में ऐसा मस्टर्ड ऑयल यूज होते हैं। साथ ही साथ ऐड कर देंगे थोड़ी सी फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स। ऐड कर देंगे 1 ग्रीन चिली, इससे बहुत ही सुंदर एक एरोमा आते हैं। मिक्स कर दीजिए हल्का हाथों से, नहीं तो फिश टूटने का चांसेस रह जाते हैं, तो हल्का हाथों से कीजिए। और देखिए, रेडी हो गए हैं हमारे बंगाली स्टाइल पापड़ माछे झाल। पोस्तो दिए ग्रेवी कितना गाढ़ा हो गए है और साथ ही साथ बहुत ही अच्छा एरोमा आते हैं। ऐसा ही सिंपल सा रेसिपी है पप द फिश करी विद पॉपी सीड्स, लेकिन खाने में बहुत ही मस्त वाला टेस्ट है। तो घर में जरूर एक बार ट्राई करना और कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलिए गैस को बंद कर देते हैं और इसको सर्व कर देते हैं। देख लीजिए, रेडी हो गए है बंगाली स्टाइल पप द फिश करी विद पॉपी सीड्स। देख लीजिए कितना बढ़िया कलर आए हैं, साथ ही साथ बहुत ही स्वादिष्ट है ये रेसिपी। घर में जरूर एक बार ट्राई करना। तो
आज के लिए मेरी बंगाली स्टाइल पापड़ मछली झाल पोस्तो दिए पूरा का पूरा रेडी है। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।